नमस्कार, मैं संजीदा रावल बीएड द्वितीय वर्ष में अपना जो पेपर है एनसीईआरटी शिक्षण इस पेपर में पढ़ेंगे और आज का जो प्रकरण है वो है भाषा और साहित्य में संबंध, अर्थात एक तरफ भाषा है और एक तरफ साहित्य है। ठीक है, तो बिना भाषा के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता है। साहित्य का निर्माण करने के लिए, साहित्य का सृजन करने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो भाषा और साहित्य देखो। ठीक है, अब एक तरफ है भाषा और यहाँ है साहित्य, इन दोनों का संबंध है वो कैसे है? क्योंकि भाषा होती है अर्थात हिंदी भाषा और उस पर साहित्य लिखा गया। ठीक है, जैसे कुरुक्षेत्र साहित्य का सृजन करने वाले लेखक रामधारी सिंह, ठीक है, यह लेखक है, इन्होंने साहित्य रचना की कुरुक्षेत्र की, तो स्वाभाविक बात है इस रचना करने में इन्होंने लिखित अभिव्यक्ति करी है। लिखित अभिव्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करता है उसे अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। तो अभिव्यक्ति हेतु एक तो मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप में भी बात हो सकती है, उसमें भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब लिखित रूप की आवश्यकता लिखित रूप में अभिव्यक्ति करनी है तो भाषा की नितांत आवश्यकता है, उसके बिना जो है लिखित अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यह ग्रंथ लिखा गया तो हिंदी बड़ी बोली के अंदर लिखा गया। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया, तो खड़ी बोली में लिखने के कारण या भाषा की आवश्यकता हुई और उस भाषा के कारण लिपि की भी आवश्यकता हुई, भाषा और लिपि, इसलिए जो है भाषा और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही किसी भी साहित्य का सृजन होता है, भाषा के द्वारा ही किसी भी साहित्य का सृजन हो सकता है। कैसे पूरक है? जैसे भाषा और साहित्य भाषा है अर्थात हिंदी या संस्कृत या हिंदी के अंदर कोई क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है, जैसे अवधि
खड़ी बोली, ठीक है, क्षेत्रीय बोली हो तो भाषा है तभी जो है साहित्य लिखा गया, भाषा थी तभी साहित्य लिखा गया। जैसे रामचरितमानस भाषा थी, ठीक है, तो लिखा गया सूर सारा मुनि, सूरदास द्वारा लिखी गई, ठीक है, और भाषा थी तो इसी प्रकार लिखा गया ग्रंथ जो है, तमाम प्रकार के ग्रंथों की रचना हो सके, तो भाषा थी तो साहित्य लिखा गया, ठीक है। अब एक तरफ तो ये बात की भाषा थी, भाषा से साहित्य लिखा गया, पहली बात। और दूसरी बात कि साहित्य लिखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, साहित्य लिखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। साहित्य लिखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, तो ऐसे एक दूसरे के पूरक पूरक अर्थात भाषा में साहित्य की आवश्यकता पड़ती है, साहित्य में भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है जान भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक। और दूसरा है भाषा और साहित्य दोनों का संबंध समाज से है, साहित्य का संबंध समाज से, भाषा और साहित्य का संबंध किससे, समाज से। बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो भारतवर्ष आर्य प्रदेश कहलाता था, ठीक है, आदि आर्य जाति, आदि आर्य जाति, ठीक है, उससे जो है समाज का निर्माण हुआ, और इसी समाज में भाषा और साहित्य का जो है निर्माण, भाषा और साहित्य पंक्ति, ठीक है, इसमें पंक्ति समाज में, क्योंकि साहित्य समाज का लघु रूप है, ठीक है, साहित्य समाज का लघु रूप है। देखो हमें जैसे 1900 से
या 50 वर्ष में बीता समय, तो उस समय में हमारा समाज कैसा था, तो वह हमें साहित्य से पता चल जाता है। ठीक है, इसका संबंध है। जैसे ऋग्वेदी युग में जो है हमारे शोषण की बात होती है, और शोषण करने वाले थे ब्रिटिश अंग्रेज, उस समय समाज की क्या स्थिति थी, तो वो जो है भाषा और साहित्य से पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय खड़ी बोली का प्रचलन था, संस्कृत और खासकर जो अवधि है, ब्रिज है, उनका जो समापन हो चुका था और खड़ी बोली ने अपना रूप ले लिया था, तो भाषा खड़ी बोली पदार्पण कर चुकी थी, और जो साहित्य था वो जो है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लिखा जाने लगा था। जो साहित्य था वो कैसा साहित्य था, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत। अर्थात उस समय जैसे ब्रिटिश लोग थे, माननीय मित्रों, मंटीवी चैम्सफोर्ड, और इसके अलावा महात्मा गांधी के आंदोलन चलने लग गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, तो सारा ये घटनाक्रम है वो इसी समय था, है ना। उस समय समाज की क्या स्थिति थी वो हमें इससे पता चला साहित्य से, और इससे प्रूफ हमने जाना है कि साहित्य था तो उसकी भाषा भी थी, तो किस समय कैसा साहित्य लिखा गया उसके साथ साथ में उसके जो है तुलना में कैसी भाषा भी थी उसकी भी बात है। ठीक है, फिर आया छायावाद, तो छायावाद में हमें दर्शन देखने को मिलता है, अर्थात भारतीय समाज कैसे दर्शन से उपरोत था, जैसे अंतिम दर्शन है, हैं, जैसे शक्ति का रूप है, तो इस प्रकार के दर्शन भी हमें जो है देखने को मिलते हैं छायावाद समय में। उस समय में भाषा भी थी तो लगभग खड़ी बोली का प्रचलन था, और फिर आई प्रगतिवादी कविता, तो प्रगतिवादी कविता का समय था 1936, और इस समय जो 1935 का अधिनियम हो चुका था, भारत शासन अधिनियम, जो प्रांतों में जो शासन पद्धतियाँ चालू हो गई थी, तो इस समय जो है हमारे समाज के ऊपर किस तरह शोषण होता था, ऐसी कविता जैसे किसान है कविता, इसके अलावा बादल कविता है, ठीक है, जूही की कली है, जूही की कली, वह ओढ़ती पत्थर, जैसे वह ओढ़ती पत्थर, वह ओढ़ती पत्थर, इस प्रकार की जो कविता है उसमें साफ साफ झलक रहा है कि उस समय समाज में बहुत शोषण की स्थिति थी, जो सक्षम समाज था वो जो है निर्धनों पर शोषण करता था, तो इस प्रकार से जो है हमें उस क्षेत्र की या समाज की स्थिति किससे पता चलती है, भाषा और साहित्य से। तो भाषा और साहित्य का संबंध समाज से है, बिल्कुल, जो जैसा समाज होगा उस समय उसी भाषा का प्रचलन होगा और उसी भाषा के अनुरूप साहित्य भी लिखा जाएगा, जैसा समाज में घटनाक्रम चल रहा है, जिस समाज में जैसा घटनाक्रम चल रहा है साहित्य का निर्माण उसी अनुरूप में होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना भाषा और साहित्य का संबंध समाज से है। ठीक है, यह था दूसरा बिंदु जिसके माध्यम से हम भाषा और साहित्य के संबंध को जान पाए। ठीक है, और तीसरा है भाषा और अधिकार साहित्य के द्वारा, भाषा और अधिकार साहित्य के द्वारा, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो साहित्य की नितांत आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि करत करत अभ्यास की विनती हो तो सूचा नर्सरी आवाज जात के सिर पर पड़त दिशा। बार बार व्यक्ति साहित्य का निर्माण कर रहा है, साहित्य सृजन कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें
भाषा में भी जो है उसमें मिथ्यापन, ठीक है। जैसे प्रेमचंद की बात करें, मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी जगत में कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है, परिचित है पूरे भारतवर्ष और विश्व जगत में मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने प्रथम जो जो है रचना करना प्रारंभ किया था वो उर्दू में लिखते थे, ठीक है, उर्दू भाषा में। अब धीरे धीरे उनमें साहित्य लिखते गए तो लिखा रहा है और लिखा रहता गया तो भाषा पर भी जो है अधिकार उनका बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि कथाकार की दुनिया में प्रथम पायदान पर जो है पद स्थापन करने में मुंशी प्रेमचंद ने अपने आप को सिद्धस्त साबित किया, ठीक है। इस प्रकार से भाषा पर अधिकार साहित्य के द्वारा ही होता है। जैसे जैसे साहित्य का साहित्य की रचना करता है उसका जो है भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता जाता है। कैसे कैसे देखो, मात्र 35 वर्ष की उम्र में जो है पूरा एक युग चलाकर चले गए, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मात्र 35 वर्ष की उम्र में लगभग 70 रचनाओं का निर्माण किया। तो इतने कम उम्र में इतनी सारी रचनाओं का निर्माण क्यों कर सके, क्योंकि जैसे जैसे साहित्य लिखते गए उनका जो भाषा पर अधिकार बढ़ता गया, भाषा पर जो अधिकार है वो बढ़ता गया और इस तरह जो है भाषा पर उन्होंने पूर्ण अधिकार प्राप्त किया, ठीक है। तो यह था भाषा और साहित्य में संबंध। फिर अंतिम में भाषा एक साहित्य एक भाषा है, साहित्य एक भाषा अधिक। देखो जो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी तो उसके बाद भारतवर्ष के तमाम राज्यों में उस रामायण की रचना हुई। तो साहित्य तो ये है रामायण, लेकिन उसकी अनेक भाषाओं में जैसे तमिल भाषा में, बंगाली भाषा में, गुजराती भाषा में, राजस्थानी भाषा में, अवधी भाषा में, तमाम भाषाओं में रामायण की रचना हुई। तो साहित्य के लिए लेकिन भाषा अनेक भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने भाषा और साहित्य में संबंध को जाना। अब इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है, समाज तथा भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करो, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लेख लिखो। देखो प्रश्न वापिस, समाज तथा भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक लेख लिखिए, ठीक है। यह आपका प्रश्न, देखो कोरोना के लिए अपने आपको बचाइए, मुंह पे मास्क लगाइए, बार बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, ठीक है। थैंक्स।